वेलकम बैक टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। मार्केट में कई तरह के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है, हमें कौन सा टूथपेस्ट चूज करना चाहिए। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है या आपको कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट टूथपेस्ट। किसी भी टूथपेस्ट को सिलेक्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हम टूथपेस्ट यूज क्यों करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है टूथपेस्ट का क्लीनिंग ऑफ आवर टीथ। दूसरा, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमारे मुंह में एक बदबू आती है, उन बैक्टीरियाज को कम करके हम उस बदबू से दूर रह सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन होता है मुंह से बदबू को दूर करना। ये दो मेन फंक्शन होते हैं टूथपेस्ट के। इसके अलावा किसी को अगर ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी की शिकायत होती है या गम ब्लीडिंग की समस्या होती है, मसूड़ों से खून आती है ब्रश करते वक्त, तो उस प्रॉब्लम के लिए भी टूथपेस्ट होते हैं स्पेशली इंडिकेटेड। या आप अपने दांतों को सफेद करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हुए टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं। टूथपेस्ट खरीदने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टूथपेस्ट में क्या है और वो जो है उसका फंक्शन क्या है, टूथपेस्ट का कॉम्पोजिशन। पहला, अब्रेसिव। टूथपेस्ट में अब्रेसिव होते हैं। अब्रेसिव यानी वो मटेरियल जो दांतों को घिस के दांतों की सफाई करते हैं। कौन कौन से अब्रेसिव जनरली यूज होते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा भी कई अब्रेसिव होते हैं। अब टूथपेस्ट में कितने अब्रेसिव होने चाहिए, अगर बहुत कम होंगे तो वो दांतों की सफाई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो दांत ज्यादा घिस जाएंगे, दांतों का जो ऊपरी लेयर होता है वो कमजोर हो जाएगा और कैविटी हो सकते हैं। तो आपके टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा अब्रेसिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है फ्लोराइड्स, सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड, कई फॉर्म्स में टूथपेस्ट में होता है। फ्लोराइड्स का काम होता है कैविटी से प्रोटेक्ट करना, हमारे इनेमल को स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि जगह के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो जब दांतों पे अटैक करते हैं तो अगर इनेमल स्ट्रांग होगा तो वो एसिड से नहीं गलेगा, अगर वो गल जाएगा तो कैविटी हो जाएगा। तो इनेमल को स्ट्रेंथन करता है, कैविटी से प्रिवेंट करता है, एंटी कैविटी एजेंट होता है। इसके अलावा कुछ टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं भी होता है, दे आर कॉल्ड फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। नेक्स्ट होता है ह्यूमेक्टेंट, वो कंपोनेंट जिसकी वजह से एक टूथपेस्ट पेस्ट के फॉर्म में है। पेस्ट में अगर ह्यूमेक्टेंट नहीं होगा तो पेस्ट बह जाएगा, अगर हम उसको ब्रश में लगाएंगे तो पेस्ट बह जाएगा। उसको पेस्ट फॉर्म में बनाए रखने के लिए ह्यूमेक्टेंट होता है, जैसे कि ऑर्बिटॉल, ग्लिसरीन, ज़ाइलिटॉल, ये सब कुछ ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं जो टूथपेस्ट को पेस्ट फॉर्म में रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है फोमिंग एजेंट, जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसमें से झाग निकलता है और हमको ये फीलिंग आती है कि सब कुछ अच्छे से क्लीन हो रहा है, तो वो जो झाग निकलता है वो बिकॉज ऑफ फोमिंग एजेंट। डिटर्जेंट, सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉरियल सुक्रोसिनेट, SLS, इसका एक्शन होता है टूथपेस्ट को फोमिंग एक्शन देना। इसका टेस्ट बहुत बिटर होता है और इसके टेस्ट को बेटर करने के लिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है, क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि अगर टूथपेस्ट कड़वा लगेगा तो कोई भी टूथपेस्ट यूज नहीं करेगा। बहुत सारे फ्लेवर्स के टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, मिंट फ्लेवर, पेपरमिंट फ्लेवर, सिनेमन फ्लेवर, सौंफ फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स के टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल, ये होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कलरिंग एजेंट, टूथपेस्ट को कलर देने के लिए। टूथपेस्ट कई कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर्स कैसे आते हैं, उनमें कलरिंग एजेंट्स मिला के। व्हाइट कलर इज बिकॉज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आप टूथपेस्ट के पीछे, अगर आप व्हाइट कलर का टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट के पीछे उसके कॉम्पोजिशन लिखी होती है, उसमें इट कंटेन्स, में देखिएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट होते हैं स्वीटनर्स। अब टूथपेस्ट को फ्लेवर दे दिया, कलर दे दिया, अब हमें क्या देना है, टेस्ट। टूथपेस्ट का टेस्ट जनरली मीठा होता है, या फीका होता है या मीठा होता है, तो अगर स्वीटनर्स है उसमें तो मीठा टेस्ट होगा, अगर नहीं है तो फीका होगा। सैक्रीन और स्पार्टम का यूज किया जाता है रेगुलर टूथपेस्ट में। इसके अलावा होते हैं प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व अ टूथपेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा दिन तक टूथपेस्ट यूज कर सके इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन, एटसेट्रा। तो ये तो हुए कि एक रेगुलर टूथपेस्ट में क्या क्या होता है, अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। आपको रेगुलर यूसेज के लिए कोई टूथपेस्ट चाहिए तो आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप कमर्शियल टूथपेस्ट अवेलेबल है जिनका एड आता है, लाइक क्लोजअप, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, चाहे आप क्लोजअप यूज करें चाहे कोलगेट यूज करें, दो टाइप के होते हैं, उसमें भी पेस्ट फॉर्म आते हैं और जेल फॉर्म, तो आप कोशिश करें कि
पेस्ट फॉर्म यूज करें, क्योंकि जेल फॉर्म में एब्रेसिव्स बहुत कम होते हैं, तो सफाई थोड़ी कम होती है, सिर्फ झाग ज्यादा बनता है और खुशबू ज्यादा आती है, वो क्लीनिंग एक्शन उनका थोड़ा कम होता है। कमर्शियल के अलावा होते हैं मेडिकेटेड टूथपेस्ट, जो किसी दांतों की समस्या के टाइम आपको एडवाइस किए जाते हैं, वो होते हैं मेडिकेटेड टूथपेस्ट। सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट हो गए, या गम ब्लीडिंग के लिए टूथपेस्ट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी टूथपेस्ट अगर आप यूज करें, उसके पीछे जो कंटेंट्स हैं वो आप जरूर देखें कि वो आपके लिए इंडिकेटेड है, आपके बच्चों के लिए इंडिकेटेड है, तभी आप उसे यूज करें। भी अगर बीमारी है, एज एन टेम्पररी सोल्यूशन आप जाके मेडिकल शॉप में कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको सूट किया कि नहीं किया, बट इससे बेटर है कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाके अपने दांतों का चेकअप करा लें। देखिए, कई बार सेंसिटिविटी की समस्या कैविटी की वजह से होती है, इसके पीछे कई कारण होते हैं, वो कारण आपका डेंटिस्ट बेटर समझ सकता है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए, अपने दांतों का चेकअप कराइए। हो सकता है सिर्फ कैविटी की वजह से आपको सेंसिटिविटी होती हो और आप बस जिंदगी भर वो टूथपेस्ट ही करे जा रहे हैं, तो बेटर है अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। कैविटी की वजह से होगा तो कैविटी फिल कर देगा या जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक कर देगा, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और फिर आप अपना रेगुलर टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये इजी वर्जन हुआ। नेक्स्ट, अगर आपको गम ब्लीडिंग की समस्या है, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि गम ब्लीडिंग के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज करें, तो देखिए गम ब्लीडिंग एक समस्या है, जब तक आप उसका कॉज नहीं हटाएंगे, दांतों में जो कचरा जमा है उसको प्रोफेशनली क्लीन नहीं करवाएंगे, आपके दांत धीरे धीरे गिरने लगेंगे, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए और उनसे एक बार प्रिस्क्राइब करवाइए। ये तो हुआ कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर टूथपेस्ट इंडिकेटेड होता है, जो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ के फिर उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने कोई टूथपेस्ट लिखा है एक महीने यूज करने के लिए, तो आप उस टूथपेस्ट को पूरी जिंदगी मत यूज करिए। जब तक प्रिस्क्राइब किया है तभी तक आपको अपना टूथपेस्ट यूज करना, क्योंकि टूथपेस्ट भी एक मेडिसिन है। अगर आप उस मेडिसिन को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे होंगे। इन क्राइटेरियाज पे बेस्ड की नीड के अकॉर्डिंग आप अपना टूथपेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था कैसे हम अपना टूथपेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी टूथपेस्ट सिलेक्ट करें, बट दोनों टाइम 2 मिनट के लिए ब्रशिंग जरूर करें।